गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत टाइम बाद में वापस मिल रहा है एंड वापस वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद में मिल रहा हूँ, बट क्या करें। बट इस मतलब ये वीडियो से अब मे बी डेली व्लॉग आएंगे, मैं ट्राई वही कर रहा हूँ। तो फिलहाल बज रहे हैं अभी सुबह के 6:15 एंड लेट्स सी, अब मैं जिम जाऊँगा। आपका भाई जिम जाता है, सो जिम जाऊँगा 6:30 से 8:30 बजे तक। आई विल बी इन जिम, तो वहाँ पर जाएंगे। एंड यस, मैं बताऊँगा कि मैं जिम कैसे जाता हूँ, क्यों मैं जाता हूँ वो तो सबको पता ही है, एंड कैसे मैं जाता हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ नीचे। एज यू कैन सी, बाल काफ़ी बढ़ गए हैं यार, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है। सो इसको छुपाने के लिए एक जुगाड़ है, कैप। ये मैं कैप पहन लेता हूँ जिम के टाइम पे, तो एक स्वैग भी बना हुआ रहता है एंड अच्छा भी लगता है ये कैप। वैसे ये कैप है ना रौनक का है और उससे मैंने ढाप लिया, तो आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तो वो स्लीपिंग मोड में है बिकॉज वो लेट तक सोता है तो लेट तक ही जागेगा, बट ऑब्वियस। सो दिस इज़ अ स्मॉल की टू माई हैप्पीनेस। नो, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्टड्स। ये तो उनके साथ वो कीरिंग मिल गया था, शी इज़ माई माया। नहीं, इस पर नहीं जाना है, अपन इस पर जाएंगे अपनी मोह पे। बस साइकिल पे जाने से प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो बैग है ना जो मैंने लटकाया हुआ है यहाँ पर, बस इसको देखकर है ना कुत्ते लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं फिर डी रूट लेता हूँ एंड डी रूट लेकर थोड़ा सा लंबा रूट मारता हूँ। एंड साइकिल से आने के फ़ायदे बहुत हैं। बहुत लोग मैं भी सोचते रहेंगे कि साइकिल लेके जाता है तो साइकिल पार्क कैसे करते हैं, तो दिस इज हाउ आई पार्क माय साइकिल। साइकिल लॉक और खंबा कब काम आएगा, वहाँ पर पार्क करके अपना वर्कआउट करते हैं, फिर अनपार्क करके घर पे चलते हैं और आगे का शेड्यूल देखते हैं। एक मारा चढ़ के इतना थक गया भाई। सो द जिम वर्कआउट हैज़ बिन डन, ग्रेट। शोल्डर डे था। जिम में मैं इतना नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत शोर रहता है, शोरगुल। सो पैक टू पवेलियन, बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं, गाड़ी नहीं सॉरी मोह को पार्क कर रहे हैं साइकिल को। एंड काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि इतने लोग व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। सी एवरीबडी हैज़ इट रीज़न, हर किसी को नहीं पसंद है कैमरा के सामने आना। सो मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करता हूँ, जो आते हैं उनको मैं लेकर आता हूँ। अब नाउ एग्जॉस्टेड, ये सब बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अपनी मोह को पार्क करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। घर मतलब ऊपर ही है घर। तो नहा कर अपन हो गए हैं फ्रेश एकदम, और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग 10:30, 11 o'clock एंड वही रूटीन वही काम, तो जो काम है उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड जब फ्री टाइम मिलेगा तो वन-ऑन-वन बात करेंगे कि डेली व्लॉग क्यों करते हैं, एक व्लॉगर क्या होता है, सब बात करेंगे अपन। जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे वैसे वैसे आगे अपन बढ़ते जाएंगे एंड होप सो जो प्लान किया है वो वैसा ही जाए आगे। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड चलते अपन दूसरे काम की तरफ। आफ्टरनून भाई, मुंबई का जो आफ्टरनून है अब एकदम हीटेड होने लग गया, और सुबह और शाम को देखोगे ना अच्छा खासा वेदर हो जाता है, मतलब प्लेजेंट वेदर बोलते ना, प्लेजेंट वेदर हो जाता है। एंड फिलहाल अभी देख सकते हो कि धूप कितना है, पीछे से लाइट आ ही रहा होगा इतना, तो धूप काफ़ी है। एंड आई बैडली नीड ए हेयर कट और दाढ़ी मेरे को करना तो पड़ेगा बिकॉज कुछ ज़्यादा ही घास की तरह उगने लग गई है, सो आई नीड टू मेंटेन इट। फिलहाल अपना जो काम था वो हो चुका है और अभी बज रहे हैं
आफ्टरनून के 3 o'clock, और सो अभी आए हैं हम घर एंड लंच करते हैं। लंच करके फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। जो भी सीन है वो तो अपडेटेड है ही। सो दिस इज़ डेली ब्लॉगिंग चैलेंज, मतलब आप दिन में क्या कर रहे हो पूरा जो रूटीन है वो अपन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, दैट इज़ व्लॉगिंग और पीपल से वी लॉगिंग। भाई साहब ट्रैफिक दिख रहा है ना, रुकावट के लिए खेद है। अभी मैं ऐसे अगर बैकग्राउंड में इतना आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ बेयर कर लेना। मैं निकला था 5:30-6 बजे और भाईंदर टू जोगेश्वरी गया, वहाँ से पूरा काम निपटाया। काम निपटा कर अब व्लॉग वगैरह कुछ नहीं, बिकॉज पता है ना मुंबई की ट्रैफिक कैसी है, वो हैक्टिक है। बाइक नहीं लेकर गया, एक्टिवा पे मैं सर्वाइव किया हूँ। अब कैसे जैसे अब रिटर्न मार रहा हूँ, रिटर्न मार के घर पहुँचता हूँ। अभी हो रहे हैं 8:30-9:30 तक पहुँचूँगा घर पे, फ्रेशन अप होकर फिर घर पे मिलता हूँ। टाइम 9:15 और 9:15 बजे मैं पहुँचा हूँ घर। अभी अब फ़िलहाल घर जाता हूँ एंड यस, हाफ फेस नॉट रिकमेंडेड। और मैंने सोचा था कि एक्शन कैमरा वगैरह लगाकर मैं व्लॉग करूँ, बट यार ट्रैफिक ऐसी रहती है ना कि व्लॉग करने के लिए जमता नहीं है। पहले से हेक्टिक रहता है शेड्यूल और काम वगैरह रहते हैं, काम के बीच में अपन व्लॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है जुगाड़, बिकॉज आई एम नॉट ए फुल टाइम व्लॉगर, आई एम ए पार्ट टाइम व्लॉगर। और अब हम पहुँच गए हैं घर। 9:30 बजे मैं घर पे पहुंचा था एंड अब हो रहे हैं 10:30-11 बजे एंड मेरा जो सोने का जो साइकिल है ना, सोने का जो टाइम, वो 9:30-10 बजे मुझे नींद आना चालू हो जाता है। मेरी आँखों में भी आपको भी नींद दिख रहा होगा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ डेली व्लॉगिंग। कैसा था आई डोंट नो। अभी एडिटिंग करने अभी बैठूँ या सुबह बैठूँ देखते हैं, क्योंकि सुबह उठने की आदत है, एज़ आपने देख लिया रहेगा सुबह का मेरा शेड्यूल। बैकग्राउंड में आवाज़ें है, फटाके वगैरह फोड़ने लग गए हैं लोग, बिकॉज दिवाली है। हम भी बचपन में फोड़ा करते थे बट अब हमें वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि इट क्रिएट्स पॉल्यूशन एंड कुछ मिलता नहीं है ऐसा, कुछ मज़ा नहीं आता बस, और कुछ नहीं। तो बाकी जो बातें हैं, अब तो डेली व्लॉग करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और अपन मिलते रहेंगे एवरी डे एंड कुछ ना कुछ जो ज़िंदगी में घटना घट रही है उसे मैं शेयर करते रहूँगा। वेल एक दिन ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि वाई वी व्लॉगिंग या वाई व्लॉगिंग, मतलब व्लॉगिंग क्या चीज़ है एंड क्या होता है। एंड एक्चुअल में एक सिंगल वर्ड में अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ कि क्या होता है, सो इट हैज़ मतलब एक ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देता है कि आप कैमरा के सामने बात कर रहे हो तो वैसे आप ऑडियंस के सामने बात करो। पहले ये सब बातें होते रहेंगे एंड अपन मिलते रहेंगे हर व्लॉग में। सो अब मैं सोने जा रहा हूँ, फिर सुबह एडिटिंग करूँगा, कब एडिटिंग करूँगा कब डालूँगा, थोड़ा सा 2-4 दिन दो फ्लो बैठने दो। सो फ्लो बैठते ही अपने आप सब स्मूथली जाएगा। तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, गो देयर एंड फॉलो फॉर डेली अपडेट्स। अपन मिलते रहेंगे व्लॉग में, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड। Bye 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 bye.